हेलो एभ्रीवन, नमस्कार छ है तपाईँहरूलाई। आज म नेपाली हिन्दीबाट भन्नेछु अनि आज चाहिँ नयाँ ड्राइभरको लागि एकदमै गुड न्युज छ। म तपाईँहरूलाई यो पछि देखाउनेछु, तपाईँहरू भन्नेछु, तपाईँहरू हेर्नु होला भिडियो है। एभ्रीवन इन्डियन भाइ लोक, आप लोग के लिए भी आज मैं है ना बहुत गुड न्युज है। और आप लोग जितना भी नया भाई लोग है, नेपाली इन्डियन भाई लोग, आप लोग के लिए आज का मेरा ट्राफिक है। आप लोग भी आके है ना, इंग्लिश में कोड 95 होता है, फॉलोइंग में अभी थोड़ा ईजी हो गया, आप लोग भी अप्लाई कर सकता है। इसके ट्रैफिक है आज, आप लोग पूरा देखेगा तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। थैंक यू भाई लोग, आप लोग देख सकता है। देखो अभी ड्राइविंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सुबह से अभी तक है ना हैवी आ रहा है जो स्नो है ना, सुबह से अभी तक रुका नहीं है। अभी हम लोग को ड्राइविंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पीड करता है ना, वो हम लोग को देखो रास्ता कुछ मालूम नहीं है, हमारा गाड़ी है ना आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें बहुत केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। अभी देखो ये रास्ता तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कैसे हम लोग चलने का, ऐसा रोड है। देखो आप लोग भी आके फिर ऐसा ड्राइविंग करना पड़ता है, हमारा कुछ लाइन भी मालूम नहीं है, ऐसा दिख रहा है। हेलो दोस्त, देखो बहुत स्नो से है ना गाड़ी बहुत स्लिप हो रहा है, ट्रक रोड में इतना ज़्यादा हो गया दिन से, अभी पूरा ट्रक है ना स्लिप करके बैठा है पूरा, दो तीन ट्रक ऐसा होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है इधर, क्या करेगा, इसने में बहुत प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं, अब देखो ये गाड़ी चढ़ाई में चढ़ता नहीं, मेरा भी ट्रक फंस गया, अभी चेन लगाना पड़ेगा, ये ट्रक भी लगेगा, बहुत प्रॉब्लम है। देखो इसका में ये थोड़ा चढ़ाई चढ़ता नहीं है ट्रक, ऐसा है, अभी मेरा भी ट्रक भी चेन लगाना पड़ेगा, मेरा भी पीछे फंस गया, ऊपर नहीं आता है, अभी इसलिए चेन लगा के फिर जा सकते हैं। देखो इतना बहुत रास्ता में बहुत प्रॉब्लम है, चेन लगाया फिर ऐसा हो गया। देखो दोस्त लोग बहुत प्रॉब्लम होता है, देखो अभी पूरा चेन लगाना पड़ेगा, पूरा इसमें मेन लग गया, बहुत प्रॉब्लम है, दूसरा में भी लगाया और मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम है, दोनों गाड़ी ऐसा हुआ है, पूरा फंस गया, पूरा इसमें आ रहा है ऊपर से, ये पूरा इसमें है। Okay, more no. inside? No. Yeah. 20 meter. 20 meter? Reverse? Okay. देखो भाई लोग, अभी हमारा चेन हो गया, हम दोनों अभी साथ में जा रहा हूँ। देखो अभी ड्राइविंग लाइफ, अभी ये विंटर में बहुत प्रॉब्लम होता है, देखो आप लोग भी देख सकता है, देखो रास्ता किधर है मालूम नहीं पड़ता है, बहुत केयरफुल करना पड़ता है। अभी देखो अभी वो हमने उसको भी हेल्प किया, उसने भी मेरा हेल्प किया, अभी हम लोग चेन डाल के जा रहा हूँ, आप लोग भी आके ऐसा करना पड़ता है। ओ एवरीवन, और नेपाली इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेश भाई
आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग का प्यार के लिए। आज मैं आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ भी बता रहा हूँ। आज हमारा जो भाई लोग आया था नया, वो लोग COVID-19 पास हो गया, ये वो लोग के लिए मैं बहुत बधाई भी दिया। बहुत अच्छा लगता है हमारा जो भी भाई लोग आया वो लोग के लिए, है ना। अभी 2009 का बाद का लाइसेंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी इंग्लिश में भी कोई एग्ज़ाम होता है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा कंपनी तो आप लोग को बता रहा हूँ, हमारा कंपनी तो नहीं लेता क्योंकि हमारा 2009 का पहले का ड्राइविंग ड्राइवर मांगता है हमारे कंपनी में, क्योंकि हमारे कंपनी में आप लोग को नए आदमी को लेके आएगा तो नया लाइसेंस का उसके लिए थोड़ा क्लास देना पड़ता है, एक महीने का ट्रेनिंग होता है, इसके लिए वो टाइम वेस्ट होता है ना, इसके लिए हमारा कंपनी नहीं करता। लेकिन ज़्यादा कंपनी अभी जितना भी नया भाई लोग के लिए है ना ये लाइसेंस का है वो लेके आ रहा है, और उसमें आप लोग भी आ सकते हैं। जैसे आपका 2015, 12 और 17, 18 का भी लाइसेंस लेके आ रहा है। अभी हमारा एक भाई 12 का लाइसेंस था, इंडियन भाई, उसको भी पास हो गया। एक 18 का था, 18 का लाइसेंस था, है ना, वो भी पास हो गया। और हमारा एक 19 का था भाई, वो भी पास हो गया। बहुत अच्छा लगता है COVID-19 का। अभी वो लोग ने COVID-19 एग्ज़ाम कैसे दिया, वो लोग ने एक महीने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कभी क्लास भी जाना पड़ता है, और उसमें आपको है ना क्लास में आपको 800 क्वेश्चन आता है, 830 क्वेश्चन होता है, उसमें आपको पढ़ के बाद में एग्ज़ाम तो आपको है ना एक बुक एक पेपर मिलता है, पेपर में जाके उधर ही जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिधर ऑफिस में, वो एग्ज़ाम का टाइम में आपको है ना सेम लाइसेंस जैसा होता है। पहले एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपका 3 आंसर होता है, कौन सा आंसर राइट है आपको वो चॉइस करने का, किसी में यस होता है किसी में नो होता है। इसमें आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन, अभी ये गवर्नमेंट का रूल्स होता है जिधर ये यूरोप का रूल्स, ड्राइविंग रूल्स, और उसके बाद आपका मिलता है ये फर्स्ट एड का, और जितना भी हमारा गाड़ी का इंजन गियरबॉक्स मैकेनिकल ये सिस्टम भी उसमें एग्ज़ाम में आता है। ये लोग आप पढ़ के तो फिर आपको एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए आप लोग एग्ज़ाम में पास हो जाएगा तो फिर आपका, जब एग्ज़ाम में पास हो जाएगा तो आपको COVID-19 का कार्ड मिलेगा, तो उसके बाद पास करके आपको 15 दिन में आपका COVID-19 का कार्ड मिलेगा, 15 दिन या 20 दिन, 2 वीक या 3 वीक में मिलता है, कभी जल्दी से जल्दी 2 वीक में मिलता है। उसके बाद आपको है ना COVID-19 का कार्ड मिलेगा तो आपको फिर ड्राइविंग कार्ड के लिए फिर अप्लाई करता है कंपनी, और ड्राइविंग कार्ड आपको है ना उसके लिए 2 वीक लगता है, और पिंक पेपर के लिए उसके बाद तो आपको 2 हफ्ते में आपको पिंक पेपर और टागू कार्ड मिलेगा, तो आप फिर आपको कंपनी बोलेगा ड्राइविंग के लिए बाहर भेजेगा। किसी का कंपनी में 2 ड्राइवर रहता है, किसी में सिंगल होता है, कई कंपनी में है ना डबल ड्राइविंग भी करता है ना, उसमें भी आप लोग को भेज सकता है, नए आदमी को डबल में भेजेगा भी अच्छा है, नहीं तो ट्रेनिंग में भेजेगा, उसके बाद आपको गाड़ी देगा 15 दिन ऐसा 20 दिन ट्रेनिंग करके, उसके बाद तो आप 6 मंथ ड्राइविंग कर सकता है, और 6 मंथ के बाद आपको है ना फिर लाइसेंस का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। आप 6 मंथ ड्राइविंग जब करता है आपका ड्राइविंग कार्ड बन के आता है 6 मंथ का, उस टाइम में आप है ना वो 6 मंथ पहुँचने से पहले आपको 2 महीने पहले आप एक ड्राइविंग का ऐप मिलता है जो हम लोग का ड्राइविंग टेस्ट का है ना, वो ऐप आप एक टैप ले लो, टैप में आप एग्ज़ाम उसमें कंटिन्यू आप पढ़ो, आप है ना उसको कंटिन्यू करेगा तो आपको फिर जब एग्ज़ाम में आप 2 महीने पहले आपको वो ऐप पढ़ के आप थोड़ा आपको बहुत मालूम हो जाता है वो टेस्ट के लिए, उसमें टेस्ट भी देना मिलता है। आप वो करके आप फिर 2 महीने के बाद आप जब 6 महीने होता जाता है उस टाइम में आपका ड्राइविंग के लिए पूरा ऐप फाइल ओपन हो जाता है, उसके बाद आपका है ना जब एग्ज़ाम देने के लिए आपको थोड़ा इजी हो जाता है। आप पहले 2 महीने पहले प्रिपेयर करेगा तो आपको पूरा मालूम हो जाता है ना, बाद में 1 टेस्ट में नहीं तो 2-3 टेस्ट में तो आप पास हो जाते हैं, और पास करके फिर आपको है ना आपको एग्ज़ाम दे के पास करेगा तो और लाइसेंस के लिए 2 वीक में मिल जाता है, कभी फिर 2 या 3 में मिल जाता है, ज़्यादा 2 वीक में मिलता है। उसके बाद आपका है ना फिर बाद में आपको मिलेगा, और 2 वीक के बाद आपका लाइसेंस मिलेगा तो आपका पिंक पेपर अप्लाई हो जाता है, पिंक पेपर अप्लाई करके फिर आपका ड्राइविंग कार्ड भी मिलेगा 5 ईयर्स का, उसके बाद आपका कोई टेंशन नहीं। आपका पहले स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, 2-3 महीने आपका टाइम वेस्ट होता है इधर COVID-19 का ये एग्ज़ाम का पूरा, उसके बाद आप जब पढ़ते रहेगा उसका पूरा पास करते रहेगा फिर आपको
फिर बाद में 6 मंथ के बाद आपका लाइसेंस भी मिलेगा तो फिर आपको फ्री हो जाता है। आपको कंपनी अच्छा नहीं, आपको सैलरी अच्छा नहीं देता है, आप फिर आप दूसरा कंपनी चेंज कर सकते हैं, अच्छा कंपनी देके। ऐसा प्रॉब्लम है अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जो भी कोड 95 का है ना, मैं बता रहा हूँ अभी जितना भी भाई लोग इंडिया का, नेपाल का, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, जितना भी भाई लोग है उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ ना, आपका पास है ना, जैसे दुबई का, कतर का, कुवैत का लाइसेंस 3-5 ईयर्स का है, और आपका अपना मुल्क का है, जो अपना नेशनलिटी है ना, जैसे नेपाल का, नेपाल का लाइसेंस, जिसका 2009 का पहले का लाइसेंस है, वो लाइसेंस भी लेके आने का इधर, उसके बाद आपको एक इधर ही आके एक इंटरनेशनल लाइसेंस भी बना के लेके आने का, और उसके बाद अपना लाइसेंस वेरीफाई करके लेके आएगा, तो आपको कोड 95 में एग्जाम देने का जरूरी नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा वो लाइसेंस से आपको हेल्प होता है। जैसे इंडिया का भाई लोग भी आएगा सेम करने का, इंडिया का आपका 2009 का पहले का लाइसेंस है, तो आपको वो लाइसेंस लेके आने का और वेरीफाई करके लेके आने का लाइसेंस, और उसके बाद आपका इंडिया का भी इंटरनेशनल लेके आएगा, तो आपका बाद में इधर कोड 95 के लिए जो पहले एग्जाम देता पड़ता है ना, वो आपको लिए इजी हो जाता है, वो लाइसेंस से आपको कोड 95 का एग्जाम देने का जरूरी नहीं पड़ता है, आपका कार्ड जल्दी जल्दी बन जाता है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान वही सेम प्रोसेसिंग है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी हमारा भाई लोग को भी नेपाल का लाइसेंस था, उसका कतर का और कुवैत का लाइसेंस था, लेकिन उसका नया था लाइसेंस है ना, ऐसा 12 का था 13 का था लाइसेंस, लेकिन उसका कोड 95 कैसे बन गया, उसका नेपाल का लाइसेंस पुराना था, उसका 2009 से पहले का लाइसेंस था, और उधर से वेरीफाई करके लेके आया लाइसेंस, और इधर आके इंटरनेशनल लाइसेंस बनाया है ना, वो नेपाल का ओके तो होगा, तो उसका कोड 95 का जरूरी नहीं पड़ा उसका है ना, वो उसका कार्ड मिल गया, वो अच्छा है। आप लोग के लिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, और आप लोग का प्यार के लिए थैंक यू, लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए बहुत थैंक यू। हेलो भाई लोग, देखो अभी यूरोपियन ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है, अभी विंटर है ना, बहुत स्नो फॉलिंग हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग है ना बहुत केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। देखो आपको रास्ता भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, अभी ये तो अंदर का रोड है, अभी जब हम लोग हाईवे में जाते हैं, हाईवे में भी ऐसे प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। इसके लिए अभी ये विंटर में थोड़ा 2-3 महीना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद तो फिर समर में ड्राइविंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम लोग भी ऐसा में ड्राइविंग करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को भी ये भी दिखा रहा हूँ ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है यूरोप का, आप लोग देखो। आप लोग देख सकता है ये बड़ा रिवर है, अभी रिवर में देखो पूरा आइस जम गया है, इसमें पानी नहीं है, पानी देखो, पानी पूरा आइस बन गया है, ऐसा ऐसा जगह आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। जितने भी भाई लोग देखो, अभी मैं नॉर्वे से है ना, जो ओस्लो सिटी से 400 किलोमीटर दूर हूँ मैं, अभी 400 किलोमीटर अभी मैं हिल साइड में हूँ, अभी मैं ट्रॉनहिम जा रहा हूँ, जो बहुत दूर है ओस्लो से, इसके लिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और अब मैं ड्राइविंग करके अभी इधर मेरा पार्किंग था थोड़ा, मैं पार्क करके हर चीज़ आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और ड्राइविंग लाइफ हम लोग का कैसा होता है। और आप लोग भी देख सकते हैं, देखो यूरोप में है ना ऐसा सिस्टम है, इसमें सफाई करके आ रहा है ब्लेड से, और इसका पीछे है ना टैंक में नमक पानी है, इससे रोड में पानी करेगा तो इसमें थोड़ा रोड क्लियर होता है। देखो अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है रोड, ऐसा है हाई रोड। हेलो एवरीवन भाई लोग, आप लोग देख सकता है अभी मैं है ना इधर स्नो में ड्राइविंग करके आया इधर, बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि इधर है ना बहुत केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ। अभी ये जो स्नो है ना, स्नो में बहुत केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। अभी नॉर्वे पे हूँ, अभी जैसे भी हम लोग है ना जैसे समर में तो ड्राइविंग के लिए बहुत ईजी होता है, इधर का है ना अभी क्लाइमेट के वजह से हम लोग बहुत ड्राइविंग में
हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है, लेकिन इधर का आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ बंदा भी ये हम लोग आप लोग के लिए ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आप लोग आ सकते हैं क्योंकि अभी पोलैंड में यूरोप में है ना ड्राइवर का डिमांड बहुत है, डिमांड तो बहुत इधर ड्राइवर के लिए मांगता है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छा से अप्लाई करके आ सकता है। जितना भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग है ना देख सकता है। अभी हमारा जैसे नेपाल इंडिया में थोड़ा डिपेंड है ड्राइविंग के लिए, लेकिन नेपाल इंडिया तो सही है, लेकिन इधर हमारा थोड़ा डिपेंड होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ड्राइविंग और आदमी कर सकता है। इसके लिए आप लोग को लिए बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकता है ये पूरा ड्राइवर के लिए बनाया है, इसमें टॉयलेट है और शावर है नहाने के लिए, बाथरूम ये ड्राइवर के लिए है। इधर ये नॉर्वे में ना बहुत पार्किंग है इधर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ड्राइवर के लिए नहाने के लिए और ये हर पार्किंग में ऐसा फैसिलिटी है। ऐसा भाई लोग पूछता है कैसे इधर नहाने के लिए क्या है कैसा, इधर कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ का है ना इधर बनाया है, इसलिए मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ। और क्योंकि कभी कभी हम लोग उधर कंपनी में भी नहाने का बनाता है, किसी जगह पे हम लोग पैसा पे करके भी नहा सकता है, इधर तो फ्री में। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के लिए, आप लोग को बहुत थैंक यू सो मच। आई विल कम सून नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।